नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के पंचांग के विषय में हम बात करने वाले हैं। आज का पंचांग, आज की तिथि, आज का वार, तिथि वार नक्षत्र सहित संपूर्ण जानकारी सिर्फ एक वीडियो में, जहां आपको हमेशा रोज़ मिलती है और मिलती रहेगी। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहें। आज है सोमवार 11 नवंबर 2019 और आज का पंचांग हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 1 नवंबर से जो है 30 नवंबर के मध्य में हमारा गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें आप ज़रूर भाग ले सकते हैं और आप उसमें प्राइस जीत सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इसमें यूज़र्स के कमेंट नहीं आए हैं, तो इसलिए हमने हमारे गिव अवे को शॉर्ट कर दिया है। जो भी हमारे गिव अवे में भाग ले रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हमको रोज़ वॉच कर रहे हैं, जो रोज़ हमको देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो हम ये बताना चाहते हैं कि अब जो विनर्स अनाउंस होंगे वो 30 नवंबर के बाद ही अनाउंस होंगे और उनको हम अनाउंस करेंगे, एक साथ अनाउंस करेंगे। और जो जो प्राइज़ जीतेंगे वो प्राइज़ भी हम उनको उस हिसाब से डिपेंड करके बता देंगे। चूँकि ज़्यादा यूज़र्स का रिस्पांस हमें नहीं मिला है, कुछ यूज़र्स का रिस्पांस मिला है, इसलिए हम उसी हिसाब से हमारी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बढ़िया है, जितने भी हमें जिनका भी रिस्पांस मिला है उनको शुक्रिया। चलिए 11 नवंबर सोमवार 2019 आज के पंचांग का तिथि वार नक्षत्र से संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के बात करेंगे सर्वप्रथम सूर्योदय एवं चंद्रोदय की। सूर्योदय सुबह 6:40 AM पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:30 PM पर होगा। चंद्रोदय की अगर बात करें तो शाम को 5:01 PM पर होगा और चंद्रास्त रात्रि में 6:12 AM नवंबर 12 को होगा। अब बात कर लेते हैं पंचांग के बारे में। तिथि जो है शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि 6:02 PM संध्या शाम तक रहेगी, उसके पश्चात फिर पूर्णिमा तिथि लगेगी। नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र 7:18 PM शाम तक रहेगा, उसके पश्चात भरणी नक्षत्र लगेगा। योग की बात कर लेते हैं। योग जो है सुबह 10:30 AM तक रहेगा सिद्धि योग, उसके बाद व्यतिपात योग बनेगा। बात कर लेते हैं करण की, तो वणिजकरण 6:02 PM तक रहेगा, उसके पश्चात विष्टिकरण 6:36 AM नवंबर 12 तक रहेगा, उसके पश्चात बहुकरण रहेगा। अगर बात करें वार की तो वार जो होगा वो बड़ा शुभ वार सोमवार होगा और सोमवार के दिन आप जो है बड़े शुभ कार्य कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शिववास देखना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी पूजा पाठ, आपकी ज्योतिष से संबंधित, कुंडली से संबंधित सभी जानकारियाँ आप अगर हमारे ईमेल पे पूछते हैं तो हम आपको व्यक्तिगत रूप से विशेष जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन ये सभी जानकारियाँ पेड रहेंगी, फ्री कोई भी जानकारी नहीं है मित्रों, क्योंकि हम भी इन जानकारियों के लिए बहुत रिसर्च करते हैं, तो इन जानकारियों को प्रोवाइड करने के लिए हमें भी कुछ खर्च करना होता है और हमें भी कुछ अर्न करना होता है। हमारा मेन सोर्स अभी यूट्यूब नहीं है, चूँकि हमें एड आपको दिखा नहीं रहे हैं, हमने मोनेटाइजेशन डिसेबल कर रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यूज़र्स हमारे चैनल को वॉच करें और जो है अधिक से अधिक हमारे चैनल को वॉच करें। चलिए बात कर लेते हैं चंद्रमास एवं संवत के बारे में। लूनर मास चंद्रमास जो है कार्तिक पूर्णिमा होगा और साथ ही कार्तिक अमांत भी होगा। संवत की बात करें तो शक संवत 1941 बिहारी, विक्रम संवत 2076 परिधावी, गुजराती संवत 2076 विरोधकृत रहेगा। अब बात कर लेते हैं राशि तथा नक्षत्र के बारे में। सूर्य राशि होगी तुला राशि और चंद्र राशि की बात करें तो चंद्र राशि मेष राशि होगी। सूर्य नक्षत्र की बात कर लेते हैं, सूर्य नक्षत्र होगा विशाखा नक्षत्र और नक्षत्रपद की अगर बात करें तो क्रमशः 3, 4, 1, 2 पर अश्विनी फिर भरणी और भरणी नक्षत्र होगा। बात कर लेते हैं आज के ऋतु तथा अयन के बारे में। आज की दृक ऋतु हेमंत ऋतु होगी, आज का दृकायन दक्षिणायन होगा। और बात करें वैदिक ऋतु की तो वैदिक ऋतु शरद ऋतु होगी और साथ ही वैदिकायन दक्षिणायन होगा। दिनमान की बात कर लेते हैं, दिन कितने घंटे और कितने मिनट्स का होने वाला है, तो दिन जो है 10:49:32 का दिन होने वाला है और रात्रि मान की अगर बात करें तो 13:11:14 की रात्रि होने वाली है।
मध्याह्न दोपहर के 12:05 PM पर होगा। आइए बात कर लेते हैं आज के शुभ समय के बारे में। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त जो है 11:43 AM सुबह से 12:27 PM दोपहर तक होगा। आज के अमृत काल की अगर बात करें तो सुबह 11:30 बजे से तो दोपहर के 1:15 PM तक होगा। रवि योग की बात करें तो सुबह 6:40 से 7:18 तक शाम तक रवि योग होगा। और अगर बात करें विजय मुहूर्त की तो आज का विजय मुहूर्त दोपहर के 1:53 से 2:36 तक रहेगा। बात कर लेते हैं गोधूलि मुहूर्त की तो गोधूलि मुहूर्त संध्या वेला में 5:19 से चालू होकर 5:43 तक होगा। बात करें सायन संध्या की तो सायन संध्या जो है शाम को 5:30 बजे से लेकर के तो शाम को 6:49 तक सायन संध्या होगी। आइए बात कर लेते हैं आज के निशिता मुहूर्त की तो आज का निशिता मुहूर्त रात्रि काल रात्रि 11:39 से लेकर के तो रात्रि के 12:32 तक होगा, नवम्बर 12 तक। ब्रह्म मुहूर्त की अगर बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त जो है 12 नवंबर को 4:55 से शुरू होकर के 5:48 तक होगा। बात करें प्रातः संध्या की तो 12 नवंबर को प्रातः संध्या 5:22 से 6:41 तक प्रातः संध्या होगी। आइए बात कर लेते हैं आज के अशुभ समय के बारे में। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 8:01 से शुरू होगा सुबह 9:23 तक रहेगा। आज के गोलक काल की अगर बात करें तो 1:26 से 2:47 तक रहेगा। यमगंड की बात करें तो यमगंड 10:44 AM सुबह से 12:05 तक होगा। दुर्मुहूर्त की बात करें तो 12:27 से 1:10 तक दोपहर को होगा। फिर दोपहर 2:36 से 3:20 तक होगा। बात कर लेते हैं वर्ज की तो वर्ज जो है दोपहर के 2:59 लगभग 3 बजे से लेकर के तो 4:43 तक होगा। फिर 5:30 बजे सुबह 5:30 बजे नवंबर 12 को होगा और फिर 12 नवंबर को ही 7:14 AM से होगा। भद्रा स्थिति जो है 6:02 PM से 6:36 AM नवंबर 12 तक भद्रा तिथि होगी। गंडमूल की बात करें तो गंडमूल जो है 6:40 AM से 7:18 PM तक होगा। बात कर लेते हैं आनंदादि एवं तमिल योग की तो आनंदादि योग राक्षस 7:18 PM तक होगा, उसके पश्चात चरी योग होगा। तमिल योग की अगर बात करें तो तमिल योग मरण 7:18 PM तक रहेगा, उसके पश्चात फिर सिद्धि योग होगा। बात कर लेते हैं आज के निवास और शूल के बारे में। आज के निवास और शूल कुछ इस प्रकार हैं। होमावती चंद्र की होगी, दिशा शूल जो है पूर्व दिशा में होगा, पूर्व दिशा की संभवतः यात्रा ना करें। अगर जरूरी हो तो कुछ उपाय हैं, उन उपाय को करके आप यात्रा कर सकते हैं। राहुवास उत्तर पश्चिम में होगा, अग्निवास आकाश में होगा 6:02 PM तक, फिर उसके पश्चात पाताल में होगा। भद्रावास स्वर्ग से 6:02 PM से 6:36 AM नवंबर 12 तक होगा। चंद्रवास पूर्व दिशा में होगा। अब बात कर लेते हैं चंद्रबलम के बारे में। मीन राशि के लिए उत्तम चंद्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक होगा। मेष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक कुंभ कन्या राशि में जन्मे लोगों के लिए अष्टम चंद्र शुभ फलदायी होगा। ताराबलम की अगर बात करें तो निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 7:18 PM तक होगा। भरिणी कृतिका अमृक्षिरा पुनर्वसु श्लेषा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी चित्रा विशाखा ज्येष्ठा पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद तथा रेप्ति। निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक होगा। अश्विनी कृतिका रोहिणी आद्रा पुष्य मघा उत्तरा फाल्गुनी हस्त स्वाति अनुराधा मूल उत्तराषाढ़ा श्रवण षद्भिषा उत्तर भाद्रपद। बात कर लेते हैं आज के दैनिक उपवास और व्रतहार के बारे में। आज मणिकर्णिका स्नान है और साथ ही कार्तिक चौमासी 14 है, तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में अगर पूछेंगे तो मैं दैनिक उपवास और व्रतहार से संबंधित वीडियोस भी आपके लिए लाऊंगा ज़रूर, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना ज़रूरी है। धन्यवाद मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को साथ ही आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, और साथ में लाइक का बटन जरूर दबाएं और लाल कलर का बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करें मुझे ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमेशा मोबाइल पर मिलते रहें। इससे रिलेटेड वीडियोस और टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।